दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंडा साहिब। ये कह दूं कि हमारा जो शिलाई सब डिवीजन है आज तक ऐसा भी कोई भी कोरोना का सिम्टोमेटिक केस नहीं पाया गया, इसका श्रेय आम लोगों को जाता है। साथ के साथ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे जितने भी लेबरर्स थे, स्टक इन हुए थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे, वो चले गए हैं, और इस सिलसिले में जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वो आने वाले दिनों में उनको भी यहाँ से भेजा जाएगा। ये बड़ा सुखद एक अनुभव रहेगा कि यदि हम जो बाहर से अब इस प्रकार जैसे हमारे प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, सिमिलरली बाहर के जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी हमारे लेबरर्स या कुछ लोग जो हैं वापस आएंगे। उसके तहत मैं ये जानकारी आपके माध्यम से दे दूं कि जो भी व्यक्ति बाहर से अन्य राज्यों से यहाँ पर आता है, प्रवेश लेगा, उसका बाकायदा एंट्री होगा, उसको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और ना केवल SDM का, पुलिस का, बल्कि आम जनमानस का एक दायित्व बनता है, और ग्राम पंचायत प्रधानों को और सेक्रेटरी को तो स्पेशली एम्पावर कर दिया है कि वो अपनी पंचायत के क्षेत्र में एक सर्विलेंस टीम का गठन करें, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको होम कंपल्सरली मैंडेटरली होम क्वारंटाइन करें, और होम क्वारंटाइन करने के साथ साथ जो वहाँ पे आशा वर्कर है वो उसका डे टू डे बेसिस पर उसका एक चेकअप करेगी, कहीं ऐसा सिम्टोमेटिक केस आगे कहीं जाके कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, और उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इतना अब बड़ी सख्ती से मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि उनको अपने घरों में भी आइसोलेट होकर रहना होगा, वो बाहर घूमता हुआ ना फिरे। अगर इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम बाहर, अगर कोई बाहर घूमता हुआ फिरेगा तो बाकायदा उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होगी, और प्रधानों को, पंचायत के सेक्रेटरी को ये स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ऐसे कोई बाहर घूमता हुआ हो तो FIR के लिए अपना इन्फॉर्म करें, और ताकि हम पुलिस के माध्यम से उनके अगेंस्ट FIR करें। जैसे ही सेकंड लॉकडाउन की कुछ रियायतें दी गई हैं उसमें लोग ये सोच रहे हैं कि हर आदमी को अब बिल्कुल खुली छूट होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ मैंडेटरली इसेंशियल सर्विसेज और जितनी भी हमारे इमरजेंसी सर्विसेज है केवल उन्हीं लोगों के लिए लोगों को बाहर आना चाहिए, अन्यथा अपने जगह पर, अपने घरों पर रहें। मैंने ये भी देखा है, ये ऑब्जर्व किया कि लोग मास्क तो पहन लेते हैं, इस किस्म से मास्क पहनना होता है, लेकिन मास्क को वो थोड़ा सा लटका के घूमते हैं, और हमने साफ साफ पर हिदायत दे दी है लोगों को कि भी इन केस अगर ऐसा कोई आदमी मास्क लटकाया हुआ फिरे तो बाकायदा ही शुड बी फाइंड वेरी स्ट्रिक्टली और एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। आम लोगों को ये इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आने वाले दिनों में आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, सबकी जिम्मेवारी आपको खुद लेनी है। थैंक यू। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंडा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित R.K. दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को JEE, NEET, NDA, NTS जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।